नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सामान्य समस्या का इलाज बताऊंगा, जो अगर है तो बहुत सामान्य ही, लेकिन जब हो जाती है तो आपको बहुत परेशान करती है। जी हाँ, वो समस्या का नाम है हिचकी, हिकअप्स। जी हाँ, जब ये हो जाता है किसी को 15-20 मिनट आधे घंटे तक कंटिन्यूसली होता रहता है और आदमी बेचैन हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे, रात को हो जाता है या कुछ काम कर रहा है तो उसमें पूरा ध्यान उसका वहीं चला जाता है, नींद उड़ जाती है, जो काम कर रहा है उससे ध्यान हट जाता है, हिचकी आनी शुरू होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल उपाय बताऊँगा आपको। 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपकी हिचकी रुक जाएगी, और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊँगा, अगर आपको क्रोनिक हिचकी है, कई दिनों से आती है कुछ लोगों को, तो उसको भी कैसे रोकना, उसके लिए भी मैं आपको इलाज बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, हिचकी क्यों आती है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी समस्या जो हमारी उसमें बोलते हैं कि जो ऊर्जा का उल्टा चलने की वजह से आती है, और वैसे जो बोला जाता है साइंस, मेडिकल साइंस में, कि डायफ्राम लाइन पर हमारे जो प्रेशर आता है वो गैस की वजह से आता है, ज़्यादातर तो गैस की वजह से ही आता है, या हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें हिचकी आने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको हिचकी आनी शुरू हो गई है तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपकी कलाई पर यहाँ पर 3 उंगली रखिए, और इसके बाद में जो पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर देना है, सिर्फ 10 से 15 सेकंड देना, और अपनी सांस को रोक लेना है, और आप देखेंगे आपकी हिचकी गायब होगी। 1 से 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, 15 सेकंड के लिए भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। इस तरह से दोनों में से कोई भी हाथ पे रखिएगा और 10 से 15 सेकंड के लिए सांस रोकिए, आप देखेंगे इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये रखा हमने और ये, तो आप देखेंगे अब चमत्कार हो जाएगा। 80% लोगों को जो है तुरंत ही 15 सेकंड के अंदर अंदर आराम आ जाएगा, हिचकी रुक जाएगी। आप आधे घंटे 1 घंटे कितनी भी देर से परेशान होंगे, आपकी हिचकी अभी की अभी रुक जाएगी, करके देखिएगा। वैसे आप बहुत से लोगों को जो है हिचकी सिर्फ सांस रोकने से भी रुक जाती है, जिनकी नहीं रुकती तो उनको इस साथ में ये पॉइंट दबा लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसके अलावा भी बात करते हैं, जिनको क्रोनिक हिचकी हो गई है उनका क्या करें, उनको भी ये उपाय के साथ साथ क्या है, एक स्टमक 43 पॉइंट होता है, वो हमारी मिडिल फिंगर पर होता है, ये देखिए मार्क किया है मैंने, यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मूंग की दाल, मेथी का दाना, कोई भी दाना लेके पेपर टेप पर चिपका लेना है अगर आपके पास है, नहीं है तो आपको सिर्फ इस तरह से आपको प्रेशर देते रहना है, यहाँ पर मिडिल फिंगर के, ये देखिए इस जॉइंट के नीचे सेंटर में, यहाँ पर आपको प्रेशर देते रहना है इस तरह से। ओरिजिनल पॉइंट जो है ये पैरों में होता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि पैर में कहाँ पर है, वहाँ पर भी आप एक वटाना लगा सकते हैं, एक चना लगा सकते हैं, टेप के साथ चिपका लीजिए, और आपको देखेंगे आपकी कई दिनों से आ रही हिचकी आपको रुक सकती है। साथ में देखिए, इसका मेन कारण जहाँ तक है विंड का अंदर बनना होता है, उल्टा चलना, एनर्जी का उल्टा चलना होता है, तो आपको विंड यानी कि गैस अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको भी साथ साथ निकालिएगा अगर पुरानी है। और पुरानी देखिए, जो क्रोनिक जब वो हो जाती है तो उसको हल्के में मत लीजिए, उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, वो एक कुछ अंदर आपके गड़बड़ी हो रही है, उसका सिग्नल भी हो सकता है, उसको बंद करके मत लीजिए, उसके कारण भी देखिएगा, नर्वस सिस्टम की खराबी हो सकता है, नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन से हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज से हो सकता है, ऐसे कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी होती है हिचकी हमें, जो क्रोनिक हिचकी हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपना और अपने चाहने वालों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी यह काम आने वाली चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।